यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 22वां दिन है। रूस लगातार यूक्रेन के शहरों पर हवाई हमले कर रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध अपराधी बता दिया। वहीं जो बाइडेन ने यह भी कहा कि अमेरिका यूक्रेन को $1 अरब के हथियार देगा, लेकिन अमेरिकी नेतृत्व वाले संगठन नेटो ने यूक्रेन में इस डर की वजह भी है। चारों तरफ तबाही और आग है। रूस की सेना किसी भी कीमत पर यूक्रेन को झुकाने के लिए जोर लगा रही है, जिसने पूरे यूक्रेन को जलाकर राख कर दिया है। मेरे अमेरिकी भाई बहनों और दोस्तों, अमेरिका के इतिहास के कई पन्नों से आप यूक्रेन को जान सकेंगे, लेकिन यूक्रेन को जानने का वक्त अभी है। अब हमें आपकी जरूरत है। पर्ल हार्बर को याद कीजिए, 7 दिसंबर 1941 की वो भयानक सुबह जब अमेरिका का आसमान हवाई हमलों से काला पड़ गया। 11 सितंबर 2001 के उस भयानक दिन को याद कीजिए जब दुश्मनों ने आपके शहरों को युद्ध क्षेत्र में बदल दिया, जब बेगुनाह लोगों को हवाई हमलों में मारा गया। किसी ने सोचा भी नहीं था और आप उसे रोक भी नहीं सके। हमारा देश भी हर रोज ऐसा ही महसूस कर रहा है। पुतिन पर सिर्फ रिहायशी इलाकों, थिएटर और स्कूल पर ही हमला करने का इल्जाम नहीं लग रहा। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने मारियुपोल के आखिरी अस्पताल को भी ध्वस्त कर दिया है। पुतिन इज इन्फ्लिक्टिंग अपॉलिंग डेवास्टेशन एंड हॉरर ऑन यूक्रेन, बॉम्बिंग अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, मैटरनिटी वार्ड्स, हॉस्पिटल्स। अब आपके सामने पुतिन पर युद्ध अपराध के इल्जाम की सबसे भयानक तस्वीर है, जिसमें मारियुपोल के अस्पताल में घायलों की भीड़ है, लगातार मरीज आ रहे हैं। आरोप है कि रूस की सेना ने इस अस्पताल को भी नहीं बख्शा और उसके हमले की चपेट में नवजात आ गए। Putin is inflicting appalling devastation and horror on Ukraine, bombing apartment buildings, maternity wards, hospitals. I mean, it's god awful. यूक्रेन का दावा है कि रूस उस पर 1000 से ज्यादा मिसाइलों का अटैक कर चुका है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि आखिर रूस को ऐसा करने की नौबत आई ही क्यों? इसका जवाब जानने के लिए हम उसी मारियुपोल चलते हैं जहां रूस पर युद्ध अपराध के आरोप लग रहे हैं। तस्वीर में मारियुपोल की सड़क पर रूसी टैंक बेखौफ घूमते हुए देखा जा सकता है, लेकिन अचानक उस पर एक एंटी टैंक मिसाइल से हमला होता है। पहले हमले के कुछ ही सेकंड में दूसरा और तीसरा हमला होता है। इस बीच खतरा भाप का टैंक पीछे लौटता है, लेकिन उसकी ये कोशिश बेकार जाती है क्योंकि आखिर इतनी जोर से हमला होता है कि इस टैंक के न केवल पर खच्चे उड़ जाते हैं, बल्कि वो धुएं के गुबार में गुम हो जाता है। जानकारों का कहना है कि रूस पर ये हमले घात लगाकर किए जा रहे हैं। रिहायशी इलाकों में यूक्रेन की सेना लोगों को शील्ड बनाकर इस तरह के हमलों को अंजाम दे रही है। यही वजह है कि रूस की तरफ से सैन्य ठिकानों के अलावा रिहायशी इमारतों पर भी हमले हो रहे हैं। कीव की इस रिहायशी इमारत पर रूस ने रॉकेट से हमला किया। इस हमले में इमारत की ऊपरी मंजिल तबाह हो गई, वहीं आग ने इमारत को लपटों में घेर लिया। रूस के इस हमले में यूक्रेन के एक नागरिक की मौत हो गई। आनन फानन में इमारत में फंसे बाकी लोगों को बाहर निकाल लिया गया। रूस की सेना के इस तरह के हमलों के आधार पर ही बाइडेन ने पुतिन को वॉर क्रिमिनल कहना शुरू कर दिया है। दरअसल युद्ध के 22वें दिन इरपिन में भीषण जंग हो रही है, जो कीव से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। कहा जा रहा है कि इरपिन पर कब्जा होते ही कीव भी पुतिन के कब्जे में होगा। देखिए, मैं जो देख रहा हूँ इस वक्त, जिस तरह से यूक्रेन अकेला पड़ता जा रहा है, इतनी अपील की है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने हर जगह, यूएस कांग्रेस में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, हर उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से बात करके देख ली हर देश के, लेकिन कोई भी जो बेसिक डिमांड्स हैं, नो फ्लाई जोन एनफोर्स करने की और हवाई जहाज देने की, उन पे कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। और ये कारण है, मुझे लगता है, जो ज़ेलेंस्की को इस नरम रुख की तरफ लेके जा रहा है। और मुझे लगता है कि शायद ये युद्ध कहीं ना कहीं उस दिशा में बढ़ रहा है जब ये दोनों बैठकर बात करने को तैयार हो जाएंगे। कीव पर कब्जे की इस जंग में अमेरिका युद्ध अपराधी के इल्जाम को गहरा करके पुतिन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका की रणनीति फिलहाल काम करती नहीं दिखती, क्योंकि रूस ने पुतिन को युद्ध अपराधी बताने पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बाइडेन के बयान को अक्षम्य बयानबाजी करार दे दिया। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास के अनुसार क्रिमिनल के प्रवक्ता ने कहा, हम ऐसे किसी राष्ट्राध्यक्ष की
इस तरह की बयानबाजी को अस्वीकार और अक्षम्य मानते हैं, जिनके बमों ने दुनिया भर में हजारों लोगों की जान ली है। जो अमेरिका पुतिन पर युद्ध अपराध करने का आरोप लगाता है, वो खुद अफगानिस्तान में बच्चों को मारने का अपराधी है। काबुल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमले का बदला लेने के लिए अमेरिका ने ISIS पर ड्रोन से हमला करने का दावा किया था, लेकिन उसमें 10 लोग मारे गए जिसमें 7 बच्चे थे। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि अमेरिका ने इस गलती के जिम्मेदार सैनिकों को सजा देने से इनकार कर दिया। इसीलिए रूस पुतिन पर युद्ध अपराधी के इल्जामों से परेशान नहीं है। यूक्रेन के कीव से राजेश पवार, आज तक।